नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल, मैं हूं रवि ठाकुर। एडिलेड में टीम इंडिया ने मैदान मार लिया है। ऑस्ट्रेलिया के 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने कोहली और धोनी की शानदार पारियों के दम पर 6 विकेट से मैच जीत लिया है। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। कोहली ने इस मैच में शानदार सेंचुरी जड़ी, जिसके साथ ही उन्होंने अपने वनडे करियर का 39वां शतक भी लगाया। वहीं लंबे समय से फॉर्म से दूर महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। धोनी का आज एडिलेड में जमकर बल्ला गरजा और वो नाबाद 54 रन बनाकर मैच फिनिश कर लौटे। ना गवाएं, यहां कुछ नहीं कर सकता ना। स्टैंड एंड डिलीवर, शॉट खेलने की कोशिश की है, बड़ा शॉट और लीजिए डालने का प्रयास। यहां मैच जीत लिया है भारत ने और 1-1 की बराबरी कर ली इस श्रृंखला में। एडिलेड में मार लिया मैदान, कंगारुओं को दिया करारा जवाब। किंग कोहली का विराट राज, कोहली ने और इसी के साथ 39वां शतक, छठा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। ऑस्ट्रेलिया में लौटा पुराना माही और ये रहा वो बड़ा शॉट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और इसी के साथ इन्होंने टीम इंडिया ने एडिलेड में विराट कोहली और धोनी के शानदार प्रदर्शन के दम पर जीत हासिल की है। कोहली के शतक और फिर धोनी की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने कंगारुओं को रौंद कर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। टीम इंडिया ने एडिलेड में कंगारू टीम के दिए 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शिखर धवन ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी। खासतौर पर जब आपने फाइंड, यहाँ कुछ नहीं कर सकता। धवन ने 28 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों की मदद से 32 रन बनाए। गब्बर के शानदार अंदाज से लग रहा था कि वो बड़ी पारी खेलेंगे, तभी बेहरन डॉर्फ की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो लाइन है वो आपको तय करनी है। अब सारी उम्मीद सिडनी के शतकवीर रोहित शर्मा पर थी। हिटमैन भी जिस तरह से शॉट लगा रहे थे उसे देख कर लग रहा था कि वो आज मैच जिता के ही दम लेंगे, लेकिन रोहित आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए और स्टोइनिस की गेंद पर कैच आउट हो गए। और आउट, हैंड्स को फील्डर। रोहित ने अपनी पारी में 52 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 43 रन बनाए। टीम इंडिया का स्कोर अब 100 रन के पार पहुंच चुका था। कप्तान कोहली मैदान पर टीम इंडिया की जीत की उम्मीद दिखाई दे रहे थे। 4th नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रायडू अपनी पारी में पूरी तरह से लय में दिखाई नहीं दिए। करेंगे तो ऐसा कोहली को लेके आए, वो भी दबाव होता है हमेशा, इसीलिए आप दूर की बॉल भी या पोजीशन पे ना भी हो फिर भी खेलना चाहते हैं। आखिरकार रन रेट के लगातार बढ़ते रहने की वजह से लंबा शॉट लगाने के चक्कर में रायडू मैक्सवेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। बहुत गलत समय पे विकेट खो दिया यहाँ भारत ने और ये विकेट भी आपने एक नॉन। रायडू ने अपनी पारी में 36 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके की मदद से 24 रन बनाए। इस दौरान रायडू ने कप्तान कोहली के साथ मिलकर 3rd विकेट के लिए 59 रनों की अहम साझेदारी की। रायडू के जाने के बाद कोहली ने सारा मोर्चा संभाला और अपने करियर का 39वां शतक जड़ दिया। विराट कोहली ने और इसी के साथ 39वां शतक, 24वां। हालांकि शतक के बाद कोहली जल्द ही आउट हो गए। कोहली के आउट होने के साथ ही अब जीत की सारी उम्मीदें धोनी पर आकर टिक गईं। आखिरकार धोनी का बल्ला एडिलेड में बोला और फिर से ऑस्ट्रेलिया में पुराना वाला माही दिखाई दिया। जिसकी वजह से टीम इंडिया को जीत नसीब हुई। धोनी ने मैच में 55 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 54 रन बनाए। अपनी इस पारी में धोनी ने 2 छक्के भी जड़े। साफ है कोहली और धोनी के शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने एडिलेड का मैदान मार लिया है। अब
सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है और अगला मुकाबला 18 को मेलबर्न के मैदान पर खेला जाएगा। यह जीत हासिल कर टीम इंडिया कंगारू सरजमी पर लंबे अरसे बाद वनडे सीरीज जीत कर इतिहास रचना चाहेगी। दीपक मिश्रा, न्यूज 24। और अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की। सिडनी वनडे में फेल होने वाले विराट ने एडिलेड में कंगारू की जमकर क्लास लगाई। कोहली ने मैच में 104 रन बनाए, इसके साथ ही उन्होंने अपने वनडे करियर का 39वां शतक भी जड़ दिया। विराट जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वनडे में किंग कोहली को रोकना अब कंगारू टीम तो क्या किसी के लिए भी नामुमकिन लगता है।